हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे, जैसे कि कॉलेज ऑफ आर्ट के फॉर्म निकल गए हैं। सो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड आज की वीडियो जो है वो जामिया के ऊपर है, कॉलेज ऑफ आर्ट की। तो नोटिफिकेशंस वगैरह मैंने दे दिए हैं, अब मैं थोड़ा जामिया के ऊपर वीडियोज़ बनाऊंगी। सो जामिया में जो है एक क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे काफ़ी टाइम से, कि दी आर्ट एजुकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाओ, लाइक आर्ट एजुकेशन में क्या होता है, उसका एंट्रेंस कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आर्ट एजुकेशन एक नई स्ट्रीम है जो कि बीएफए में बेसिकली किसी और कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। सो जामिया में ही है, सो उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। सो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं। सो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, एंड इसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आर्ट एजुकेशन क्या है, इसका एंट्रेंस कैसे होता है, एंड इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। सो सबसे पहले आर्ट एजुकेशन की एंट्रेंस की बात करते हैं। तो इसका एंट्रेंस जो है बेसिकली सेम होता है जैसे कि बाकी एंट्रेंस जो होते हैं जामिया में। जैसे कि आपको एक फिगर ड्राइंग कराई जाती है जो कि एक घंटे की होती है। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम फिगर ड्राइंग जो है, चार सब्जेक्ट्स होते हैं जामिया कॉलेज में बीएफए के अंदर बेसिकली। सो चारों में फिगर ड्राइंग आती है, ठीक है, वो तो कंपल्शन है ही। एंड जो इसके अलावा जो हमारा सेकंड टॉपिक है कॉम्पोजिशन, जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर में जो है आपको क्ले मॉडलिंग दे दी जाती है। आर्ट एजुकेशन में आपको कॉम्पोजिशन बनानी होती है, एंड पेंटिंग में भी आपको कॉम्पोजिशन बनानी होती है। और अप्लाइड की मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहाँ पर जो है आपको लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह या फिर पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस जैसी भी कुछ जो है वर्क्स करने होते हैं। सो सेकंड सब्जेक्ट जो है कंपोजिशन, वो सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो फिगर ड्राइंग है वो सबका सेम होता है। सो अब हम बात करते हैं कि इसके एंट्रेंस जो है बाकी की तरह सेम होता है। थ्योरी भी सब में सेम आती है, 40 मार्क्स की थ्योरी होती है एंड 40 मिनट्स ही आपको दिए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आर्ट एजुकेशन में आपको पढ़ाया क्या क्या जाता है। ठीक है, सो आर्ट एजुकेशन में बेसिकली आपको फर्स्ट ईयर में जो है सेम स्टडीज़ कराई जाती हैं, जैसे कि अप्लाइड, स्कल्पचर और पेंटिंग में कराई जाती है। ठीक है, चारों स्ट्रीम में फर्स्ट ईयर में जो है सेम स्टडीज़ होती हैं। देन सेकेंड ईयर में जो है अप्लाइड आर्ट एजुकेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इसमें क्या है, आपको चॉइस दी जाती है तीन सब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, अगर आपने आर्ट एजुकेशन ऑप्ट किया है तो आपको चॉइस मिलेगी अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर और प्रिंट मेकिंग, यानी कि इन तीन सब्जेक्ट में से आप अपना कोई एक मेन सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ जो है आपकी बाकी की पढ़ाई जो है कराई जाएगी। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अगर आपको कुछ नहीं पता है कि आपको अप्लाइड लेना है, स्कल्पचर लेना है या फिर प्रिंट मेकिंग लेना है, पेंटिंग लेना है, तो आप जो है आर्ट एजुकेशन चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग काफ़ी अच्छा बताते हैं इसे, कि उसमें प्रॉपर डिजिटल वर्क भी नहीं होता है। ठीक है, कि अप्लाइड का ही करा रहे हैं सारा, मतलब इसमें सब कुछ, इसमें बेसिकली आपको पूरा ओवरऑल आर्ट एजुकेशन दी जाती है। अगर आप एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, मान लो प्रिंट मेकिंग आपने चूज़ कर लिया, सो प्रिंट मेकिंग के साथ साथ आपको पूरे तीन साल जो है पेंटिंग भी कराई जाएगी, प्रिंट मेकिंग भी कराई जाएगी, और बाकी के सब्जेक्ट का भी थोड़ा थोड़ा जो है आपको बताया जाएगा। सो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये, जिसके अंदर आपको पूरी आर्ट एजुकेशन दी जाती है। सो आर्ट एजुकेशन एक काफ़ी अच्छी स्ट्रीम है। अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है तो गो फॉर आर्ट एजुकेशन। एंड आर्ट एजुकेशन के अंदर, आर्ट एजुकेशन चूज़ करने के बाद आपको जब डिग्री आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको फ़ायदा होता है कि शायद आपको डबल डिग्री मिलती है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये इसके बारे में बताऊंगी। अभी मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, बट काफ़ी टीचर्स बोलते हैं कि आर्ट एजुकेशन करने के बाद आपको दो डिग्री का फ़ायदा होता है जब आप आगे की स्टडीज़ करते हो। सो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बेसिकली आर्ट एजुकेशन के लिए चले जाइए अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या लेना है। सो आर्ट एजुकेशन में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, आप एक पूरे आर्टिस्ट बन के ही निकलेंगे। एंड मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो ये बताते हैं कि भाई प्रिंट मेकिंग उन्होंने चूज़ किया, सो उसमें जो है उनको पेंटिंग पूरे साल कराई जाती है एंड प्रिंट मेकिंग का वर्क भी कराया जाता है। सो ओवरऑल बेसिकली आप इसमें एक लिमिटेड नहीं रहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम तक। ठीक है, आपकी स्पेशलाइजेशन जो है सारी स्ट्रीम्स में हो जाती है एक तरह से। सो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रीम है। एंड आज के वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। जिसको नहीं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, उस तक पहुंचा देना ये वीडियो, एंड कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। एंड अप्लाइड आर्ट की, जामिया अप्लाइड आर्ट का एंट्रेंस किस तरीके से होता है, उसके ऊपर मैंने एक पूरी ट्यूटोरियल वीडियो बना रखी है, आप उसको डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।